नमस्कार दोस्तों, मटेरियल नॉलेज एमकेवी डीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीवीसी पाइप, सीपीवीसी पाइप और यूपीवीसी पाइप्स जो होते हैं उसमें क्या अंतर होता है, इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करें और कौन सा पाइप कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा पाइप सबसे अच्छा होता है, इसमें रेट में क्या डिफरेंस होता है, ये अपन सब इस वीडियो के माध्यम से मालूम करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है इसके अंदर मेरे को इंडस्ट्री के अंदर जो भी मटेरियल यूज़ होते हैं उसके रिगार्डिंग इस चैनल पे जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो अब जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि ये होते क्या हैं। तो दोस्तों, जनरली जो होता है कि आदमी बाज़ार जाता है तो हमको आइडिया नहीं होता है, हम किसी शॉप पे गए पाइप ख़रीदने, तो पाइप वाला वहाँ पे बताता है डिफरेंट डिफरेंट तरह के पाइप, जैसे ये वाले इस तरह के पाइप्स होते हैं, ये वाले पाइप्स भी होते हैं और इस तरह के पाइप्स भी होते हैं। अब हमको पता नहीं पड़ता कौन से पाइप कब यूज़ आते हैं, कहाँ यूज़ आते हैं, वो कोई से भी पाइप आपको दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स की जानकारी होना ज़रूरी है। तो हम दुकानदार से पूछते हैं कि भैया हमको सीपीवीसी पाइप दे देना, यूपीवीसी टाइप पाइप दे देना, लेकिन वो इस तरह का एकदम आइडेंटिफाई वो आपको जवाब नहीं दे पाता है। तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए, उसमें हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यार किस तरह का रहता है, कौन सा पाइप रहता है, कहाँ इस्तेमाल होगा, तो आपको इसकी बेसिक जानकारी जानना ज़रूरी है, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो अब बात करते हैं पीवीसी पाइप्स के रिगार्डिंग कि पीवीसी पाइप होते क्या हैं। फुल फॉर्म होता है इसका पॉली विनाइल क्लोराइड पाइप। जो ये पाइप देखने में सामान्य और यूपीवीसी और सीपीवीसी पाइप की तरह ही होते हैं, वो जो इसका जो यूज़ किया जाता है घरों में वेस्ट अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में किया जाता है, जैसे कि हो गया बारिश का पानी, टॉयलेट बाथरूम का पानी, ये जो होता है घरों के अंदर जनरली अपन देखते हैं इस तरह से पाइप्स बाहर लगे होते हैं, वो होते हैं वो पीवीसी पाइप होते हैं, जो जनरली बाथरूम का पानी, बारिश का पानी निकालने में जनरली घर में काम किया जाता है। इस पाइप की खास बात ये होती है कि ये कहीं पे भी आसानी से मिल जाते हैं और बाकी सभी पाइप्स से सस्ते होते हैं, इस कारण ये पाइप सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन यूपीवीसी पाइप की, यूपीवीसी पाइप होते क्या हैं। यूपीवीसी पाइप जो होते हैं वो होते हैं अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी इन पाइपों को ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है वो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किया जाता है। केमिकल जैसे कोई एक जगह से दूसरी जगह कोई केमिकल को ट्रांसफ़र करना होता है तो वहाँ पर एक इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये पाइप केमिकल के लिए एक अच्छे प्रतिरोधी होते हैं, जिस कारण इन पाइपों को प्यार फैक्ट्री और प्लांट्स में ही यूज़ किए जाते हैं। इनको घर पर भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली जो होता है मेनली जो ये बनाया जाता है ये फैक्ट्री के अंदर यूज़ करने के पर्पज़ से ही बनाए जाते हैं। इस तरह के पाइप्स आपने फैक्ट्री के अंदर देखे होंगे। अब तीसरा आता है सीपीवीसी पाइप्स कि सीपीवीसी पाइप्स होते क्या हैं। सीपीवीसी पाइप मतलब होता है क्लोरोनाइटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, जो हॉट और कोल्ड वाटर को ट्रांसफ़र करने में यूज़ होता है। जैसे लगभग इसका जो होता है 180 डिग्री फॉरेनहाइट टेम्परेचर तक का, इसमें टेम्परेचर से 200 तक टेम्परेचर ये यूज़ करके हॉट वाटर को यूज़ करके इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये पाइप टिकाऊ, नचीला और उपयोग में आसान होता है। सीपीवीसी जब अत्यधिक उच्च तापमान के संपर्क में आते हैं तो वे नरम हो जाते हैं। ये पाइप काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और इन पाइपों का इस्तेमाल ज़्यादातर घरों में किया जाता है, जो पाइप फिटिंग्स के अंदर जो होती है
वहाँ जैसे अपने गीजर में पाइप, गीजर का अंदर जो पाइप यूज़ करते हैं या घरों के अंदर जो पाइप यूज़ करते हैं जहाँ पे हॉट और कोल्ड दोनों तरह का वाटर का यूज़ करता होता है, वहाँ पे इस तरह की पाइप की फिटिंग आपने देखी होगी, वो होते हैं CPVC पाइप। अब अगर अपन को डिफ्रेंशिएट करना हो तो मैंने जैसे यहाँ पे PVC, UPVC और CPVC पाइप में थोड़ा डिफ्रेंशिएट दिया गया है, वो मैंने बता रखा है। जैसे PVC पाइप जो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये होता है अनप्लास्टिसाइड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये होता है क्लोराइलाइटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप। रिजिडिटी की बात में करें तो ये थोड़े रिजिड और एंड फ्लेक्सिबल होते हैं, ये हाई रिजिड होते हैं और ये फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, मतलब इनको नरम भी हो जाते हैं ये, तो मूव आप मोड़ सकते हैं। प्लास्टिसाइजर ये कंपोज्ड एंड अनकंपोज्ड दो तरह के आते हैं, ये होता है UPVC नॉट कंपोज्ड ऑफ एनी प्लास्टिसाइजर, इसमें प्लास्टिसाइजर का यूज़ वो नहीं होता है, और ये प्लास्टिसाइजर कंपोज्ड से प्लास्टिसाइजर से कंपोज्ड होते हैं। फीचर्स की बात करें तो ये हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, इलास्टिक बेंडेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लो कॉस्ट की बात कर लो कॉस्ट होते हैं। और ये जो UPVC पाइप होते हैं वो होते हैं थोड़े रिजिड और फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं ये, और इनको रिसाइकेबल किया जा सकता है। और CPVC जो पाइप होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर रेजिस्टेंस, UV स्टेबलाइजर अल्ट्रावायलेट रेस को स्टेबलाइज वो होते हैं, और फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं। कलर की बात करें तो ये ग्रे कलर के होते हैं, ये वाइट कलर के होते हैं, ये ऑफ वाइट और अपने जनरली येलो कलर इन डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आते हैं। कॉस्ट जैसे मैंने बताया ये लो कॉस्ट के होते हैं, ये मीडियम, और ये CPVC पाइप जो होते हैं वो हाई कॉस्ट के होते हैं। टेम्परेचर रेजिस्टेंस, ये कम टेम्परेचर रेजिस्टेंट होते हैं। UPVC वाई कैन नॉट बी यूज टू कैरी हाई टेम्परेचर लिक्विड को इसमें यूज़ नहीं है, अप टू 50 डिग्री समथिंग जो उसमें होता है मैंने केमिकल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किए जाते हैं। और CPVC पाइप कैन बी यूज टू कैरी हाई टेम्परेचर जैसे होता है हॉट एंड कोल्ड वाटर को यूज़ करने में ट्रांसफर हो जाता है, जैसे -40 से 95 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को यूज़ कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर ट्रांसमिशन, इसमें से PVC पाइप में अपन जनरली ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ नहीं करते हैं, UPVC जो होता है वो भी ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ नहीं करते, ये केमिकल को प्रोसेस में यूज ट्रांसफर में यूज़ किया जाता है, और CPVC जो होता है वो ड्रिंकिंग वाटर को ट्रांसफर में यूज़ किया जाता है। यूजेस में मैंने जैसे डालिया है ड्रेनेज, सीवरेज, एग्रीकल्चर साइट और बाथरूम फिटिंग्स में जैसे होता है PVC पाइप जैसे यूज़ करते हैं। CPVC जो केमिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है, बोरिंग के अंदर भी और रेन वाटर के उसके अंदर होता है। CPVC वाटर भी वो जो होता है हॉट और कोल्ड वाटर को यूज़ करने में, जैसे बाथरूम और किचन या गीजर की फिटिंग्स के अंदर इसका जनरली यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। मैंने इस चैनल पे दूसरे और वीडियोस भी जैसे डाल रखे हैं, जैसे सीमेंट बैग की एक्सपायरी डेट कैसे होती है उसको आप कैसे चेक करें, ग्राइंडिंग और कटिंग व्हील पे कैसे क्या एक्सपायरी डेट होती है उसको आप कैसे चेक करें, वायर रोप सीलिंग की लोड कैपेसिटी को आप कैसे आइडेंटिफाई करें, वेब सीलिंग की लोड कैपेसिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें, चूंकि मैंने कुछ फॉर्मूलाज ये आइडेंटिफाई किए हैं उसके द्वारा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये वीडियोज़ भी आप मेरे इस चैनल पर देख सकते हैं, और नए अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।